देख रहे हो आप, इतनी खिलखिलाती धूप निकल आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब था इतने सुबह इतना सही मौसम देने का। कितनी तेज, और उस मतलब जो रात को ठंड पड़ी थी, ठीक है, जो सुबह सुबह बारिश हुई थी, जो इतना सही मौसम हुआ पड़ा था, और अब ये चिलचिलाती धूप, क्या मतलब है यार। मौसम भी आजकल बदलने लग गए हैं, और कुछ एक ही दिन में 10 बार बदल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तो जब मैं खाना खाने हैं ब्रेकफास्ट बनाया था, तब उसके बाद मैं कहीं सो मैं कि चलो यार अच्छा है, मौसम अच्छा है, आज तो नींद बहुत सही आएगी। और जब मैं सो के उठी तो ये करिश्मा देखा मैंने, करिश्मा से ज़्यादा दुख लगा मुझे यार, कि मैंने तो सोचा था अच्छे आया हुआ। और आज सुबह मैं सोच रही थी यार, मैंने गलती से ही अपने कपड़े ना, जो गर्म कपड़े हैं वो डाल दिए हैं सूट के, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे निकलवा देती हूँ। और ये देखो, और स्वेटर भी मैंने पहन लिया, और ये चिलचिलाती धूप। अब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, कोई वर्ड नहीं है। और इतनी धूप में तो मेरे से वो व्लॉगिंग भी नहीं हो रही है। नहीं तो मतलब अगर आपने धूप देनी थी, ठीक है, भगवान जी ने अगर धूप देनी थी, ठीक है, तो वो 3-4 दिनों से दे ही रहे थे, मतलब पूरा जो मंथ था, पूरा मार्च का चल ही रहा था, तो ये एक दिन अच्छा करने का मौसम क्या मतलब था, कि एक दिन अच्छा हो जाएगा उसके बाद सब फिर दोबारा से वही रंगत आ जाएगी, अब फिर वही चिलचिलाती धूप। और इतनी धूप में ना तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ बनाने का मन कर रहा है। चलो छोड़ो, अब अंदर ये स्वेटर पहन के अंदर फैन चलाऊंगी, और अंदर अब आराम से बैठूंगी। चलो एक फायदा तो हो सकता है, मैं कपड़े धुल सकती हूँ। वैसे तो कपड़े भी मैंने थोड़े दिन पहले ही धुले थे, पर धुल लेते हैं ये चिलचिलाती धूप में। हाँ कपड़े ही धुल लेती हूँ, रेनिंग सीजन तो चलो कोई नहीं, जो है सो है। अब इस धूप को सहारे जियो। आज दिन आराम से, ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेट को क्या हुआ पड़ा। नहीं जब नेट नहीं चलता तब तो हम कह सकते कि मौसम ख़राब है इसलिए नेट नहीं चल रहा, पर अभी तो इतनी खिलखिलाती धूप है, अभी भी नहीं नेट चल रहा है। और अभी मेरे मोबाइल में ना 1.1 GB डाटा पड़ा है, पर चल ही नहीं रहा। और रात तक ऐसे ही जाएगा, फिर मुझे मैसेज आएगा यू हैव नॉट यूज्ड योर 50% डाटा। कैसे यूज़ कर लेंगे, कुछ होना तो चाहिए, चलाने के लिए नेट तो चलना चाहिए ना। ऊपर ई शो हो रहा है मुझे, ई गुस्सा आ रहा है, एक तो ये गर्मी देखकर, और भूख भी लग रही है। चने खा के गुजारा करेंगे आगे। चकुंदर खाने के फायदे, यार गर्मियों में अब सिर्फ यही खा सकते हैं फ्रूट, क्योंकि और कुछ तो अच्छा लग नहीं रहा।
देख रहे हो मैगी का कलर। यहाँ आवाजें चल रही हैं। धर्मशाला में होते ना तो अभी पहाड़ों के साथ मैगी आती, बट अभी हम छत पे आ गए हैं इसी मैगी का मज़ा लेने के लिए, मतलब इस मैगी का। गुस्सा चढ़ रहा है मुझे, ये जो ये हरकतें कर देते हैं ना मेरी व्लॉगिंग के बीच में, अपनी आवाज़ें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। सैर करते करते मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। देख रहे हो कितनी सही बनी है ये। आसमान में कितनी सही पिक्स आ रही हैं, पिक्स भी आएंगी, मतलब वीडियो बन रही है। दोपहर को ज़रूर मुझे गुस्सा था, बट अभी दोबारा से मौसम चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। और वीकेंड लग रहा है कि सही है, सही मतलब इस वीक का सही एंड हुआ है। वीकेंड का मतलब ये होता है ना, एक वीक का जो सही एंड होता है। बहुत सही।